सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल बताऊंगी, जो आप अपने डेली रूटीन में आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कर सकते हैं। सच में बहुत ज़्यादा हेयर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, जो भी मैं ट्राई करती हूँ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अभी जैसे कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा, रक्षाबंधन आ रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने कौन कौन से हेयर स्टाइल किए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं ये वाली टिकटॉक पे नहीं यूज़ करूँगी। सो सबसे पहले मैं अपने पूरे बालों को राइट साइड में लेके आऊँगी, एंड देन उसके बाद जो लेफ्ट साइड के बाल हैं इन्हें हेयर्स को थोड़ा सा हल्का सा इसे ट्विस्ट करके पीछे टक कर लूँगी, ताकि जो वन साइड में जो भी बाल मतलब अलग से निकल रहे हैं वो ना निकले। सो इस तरीके से मैं साइड में सारे बालों को लेके आ जाऊंगी। ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट होता है, एंड देन उसी तरीके से हमें ये सेकंड हेयर स्टाइल भी करेंगे। बस हमें थोड़ा सा उसको अपोजिट साइड में जो भी आपके हेयर्स हैं उन्हें लेके आना है। देन ये हमारी सेकंड हेयर स्टाइल कम्प्लीट यहाँ पे हो जाती है। ये बहुत सिंपल एंड ईजी होती है। नॉर्मली अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारी यहाँ पर सेकेंड हेयर स्टाइल ये जो आती है, इसमें आपको सामने से बीच से मांग निकाल लेना है, एंड थोड़े से फ्रंट के बाल लेके उन्हें हल्का सा फिंगर की हेल्प से हल्का सा पफी बनाते हुए ट्विस्ट करते हुए पीछे आपको टक इन कर लेना है। इसी तरीके से आपको दोनों साइड में करना है गाइस, इस साइड से भी एंड इस साइड से भी। देन उसके बाद जो भी हेयर्स पीछे से जो बचते हैं उन्हें आपको इस तरीके से रबर बैंड लेके, रबर बैंड की हेल्प से आपके इसे अच्छे से इस तरीके से बांध लेना है। देन उसके बाद इसे ट्विस्ट करते हुए आपको हल्का सा ऐसा पफीनेस करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा छोटा सा जूड़ा बनाएंगे। सो बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली अच्छे तरीके से बन नहीं रहा था, इसी तरीके से फिर मैंने बना लिया, बिकॉज मुझे बहुत थोड़ी जल्दी थी। सो इस तरीके से आपको इसे बना लेना है, एंड आप इसे अच्छे से थोड़ा सा पिन वगैरह लगाएंगे तो वो और अच्छे से बन जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आती है, आपको इस तरीके से सामने फ्रंट बाल पूरे हेयर्स लेके आपको हल्का सा आगे की साइड में ट्विस्ट करना है, एंड देन आप क्लचर या पिन कुछ भी लगा सकते हैं। सो ये भी एक सिंपल से स्टाइल अच्छी लगती है मुझे, पफ बनाना। सो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में मुझे देखा ही होगा। सो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी फ्रंट के बाल हैं हम उसे ले लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से रबर बैंड को अच्छे तरीके से लगा लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा टाइट करके। देन उसके बाद वही जो भी हेयर्स हैं उन्हें हम ट्विस्ट करते हुए जिस तरीके से हम जूड़ा बनाएंगे उस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद हल्का हल्का इसे इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्रश करना, पफ़ी बनाना एक तरीके से। सो एंड उसके बाद आपको इसे राउंड राउंड करते हुए इस तरीके से पफ़ी बनाते हुए आपको इसे लगा लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप क्लचर लगा सकते हैं या फिर जूड़ा पिन आती है, आप उनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, आप जिससे भी कम्फर्टेबल हो। मैंने यहाँ पर एक ये थोड़ा सा छोटा सा क्लचर लगाया है। देन उसके बाद जो आपके फ्रंट के जो हेयर हैं आप इसे हल्का हल्का उठा लें, थोड़ा सा पफ़ी कर लें, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा चिपकू चिपकू टाइप का नहीं लगता। सो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे पिन ज़रूर लगाना होता है। सो इस तरीके से ये भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको इतना सामने नहीं बनाना है जूड़ा, तो आप हल्का सा थोड़ा सा पीछे के साइड में आप जूड़ा भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इस लुक में भी ये अच्छा लग रहा है। सो हमारी नेक्स्ट ये थी। देन उसके बाद हम यहाँ पर पूरे बालों को ऊपर टाई कर लेंगे रबर बैंड की हेल्प से। उसके बाद फिर हमें इसे हल्का हल्का इसे ट्विस्ट करना है, जूड़ा बनाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप जूड़ा बनाएंगे तो आपका जो जूड़ा है गाइस वो और ज़्यादा पफ़ी पफ़ी लगेगा। सो इस तरीके से मैं पूरे बालों को टाई कर लूँगी। देन उसके बाद यहाँ पर मैं ये जो जूड़ा पिन है वो लगा लूँगी पूरे चारों तरफ से, जो भी अलग से जो भी बाल निकल रहे हैं सबको मैं टाई कर लूँगी। देन उसके बाद इसे हल्का हल्का थोड़ा सा पफ़ी बना लूँगी, हल्का हल्का। आप इसे बहुत तेज़ी से ना खींचे, नहीं तो वो निकल जाएगा। एंड सामने से भी आपको इस तरीके से कर लेना है, एंड ये भी बहुत प्यारा लगता है, सिंपल इजी एंड क्विकली। आप 5 मिनट में आप इससे हेयर स्टाइल को मतलब कर सकते हैं। एंड सामने से हल्के हल्के फ्लेक्स निकाल लीजिए, दैट्स परफेक्ट। देन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साइड में जाते हैं। हम बीच से मांग निकालेंगे, हल्का हल्का सामने से आपको इस तरीके से आपके हेयर्स को लेने हैं, एकदम हल्के हल्के स्ट्रोक में लेने, पतले पतले, एंड इसे ट्विस्ट करते हुए पीछे के साइड में इसे आपको इस तरीके से पकड़ना है। आई थिंक इसे कुछ तो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रोक लेके एंड आपको इस तरीके से बना लेना है।
इस टाइप से, एंड आपको हल्का सा ट्विस्ट करके इसको ऊपर की साइड से हल्का सा ट्विस्ट करना है ताकि ये थोड़ा सा पफ़ी पफ़ी बने। इसी तरीके से आपको दोनों साइड का कर लेना है, एंड आपको जितना भी आपको पफ़ी चाहिए हल्का हल्का आप इसे ऊपर उठा सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट हेयर स्टाइल है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। आप साड़ी सूट वगैरह पहनते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से जाती है। देन उसके बाद गाइज आपको वन साइड मतलब एक साइड में जिस साइड भी आप करना चाहते हैं, उस तरीके उस एक साइड में आप अपने पूरे हेयर्स को कर लें। देन उसके बाद ये हल्का हल्का आपको इसे जूड़ा जूड़ा टाइप से बनाना, साइड जूड़ा बोलते हैं इसे। ये स्टाइल भी बहुत प्यारी लगती है, ये भी हर आउटफिट में बहुत अच्छे तरीके से चली जाती है। हल्का हल्का आपको थोड़ा सा मैसी मैसी करना है गाइज, आप जितना मैसी रखेंगे आपकी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से ये हमारी नेक्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट होती है। आपको यहाँ पे रबर बैंड या आप जूड़ा क्लिप लगा सकते हैं, एंड मुझे बहुत गर्मी लग रही थी दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे चोटी गुथेंगे नॉर्मली जो हम बचपन से करते आ रहे हैं उस तरीके से। एंड ये भी गाइस बहुत अच्छी लगती है हेयर स्टाइल अगर आप अच्छे से कर पाते हैं। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ हेयर स्टाइल के लिए, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। एंड आगे अगर आपको और हेयर स्टाइल की वीडियोस देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेके आऊँगी ना, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरीके से आपको इस चोटी बना लेना गाइस, एंड हल्का हल्का थोड़ा सा सारे हेयर्स को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। एंड साइड से आपको इस तरीके से आपके हेयर्स को निकाल लेना, आप इसे कर्ल भी कर सकते हैं। ये बहुत प्यारी लग रही थी इस लुक के साथ, मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड बहुत सिंपल होती है, बहुत जल्दी से हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको छोटा सा यहाँ पे एक वो पफ बनाना है सामने से। देन उसके बाद आपको एक साइड में सारे बालों को लेके आ जाना है इस तरीके से। एक्चुअली यहाँ पे आपको किसी की हेल्प लगेगी, बट मेरे मेरे पास कोई नहीं था तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। जो जो पीछे के हमारे हेयर्स रहते हैं ना गाइस, वो बहुत लंबे होते हैं, दोनों उसको निकाल के आपको अलग अलग पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है। आपको ऐसे जिगजैग करते हुए आप अपने बालों को इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। बिकॉज़ मेरे पास जैसा कि मैंने बताया मेरे साथ कोई था नहीं, इसलिए ही उतना अच्छे से परफेक्टली नहीं आई। बट आपके साथ कोई है तो आप जो ये बीच वाले जो हेयर्स हैं आप किसी से उसे पकड़वा लीजिए, देन उसके बाद आप इसे करिए, बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से ये भी एकदम अच्छा हेयर स्टाइल होता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाता है। सो गाइज यही थी आज की मेरी वीडियो, आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइज अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, एंड बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। गाइज ये मैंने रक्षाबंधन मेकअप लुक किया है, डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा लुक है जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ईजी है। सो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। एंड कोई भी न्यू वीडियो सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। एंड मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे और भी हेयर स्टाइल लेके आऊँगी, बिकॉज मैं भी कुछ कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए बाय बाय।